मैं हूँ रे गिब्सन और यह क्लॉड बैंक्स। विले लॉन्ग। विले, आप तो सुलझे हुए लग रहे हो, फिर यहाँ कैसे? लंबी कहानी। मैं 13 साल की उम्र में एक आदमी को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला था। ऐसा वो कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं। एक सेकंड, तुम यहाँ 13 साल की उम्र से इस जेल में सड़ रहे हो? सही समझे। और तुम्हारा क्या मामला, कितने साल से हो, क्या किया? बहन का सर कुल्हाड़ी से काटा। सगी बहन नहीं थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। कम से कम मैंने अपने माँ बाप को तो जहर देकर नहीं मारा। अरे बोलना, शर्मा क्यों रहा है? इसी लायक थे रेडियो। क्या बकरे हो बिस्किट, तुमने तो अपनी मकान मालकिन की चमड़ी उधेड़ कर जैकेट बनाया था। कम से कम इसने सांता क्लॉस को तो नहीं मारा। सांता क्लॉस? किस बेवकूफ ने उसे मारा? वो सांता क्लॉस नहीं था, बस सांता क्लॉस का सूट पहने घंटी बजाता एक आदमी था। उसके पास तोहफे थे। मेरी तो तुमने उन लोगों को मारा जो सड़क पर घंटी बजा के गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। कुछ ऐसा ही। वो सही कह रहे हैं। किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? कोशिश की थी पर भाग नहीं पाए। कुकी ने ये बात सबको कुछ साल पहले अच्छे से समझा दी थी। इन घने जंगलों को पार करना हमारे बस की बात नहीं है। रास्ता इतना आसान नहीं। ए, तुम्हारी कहानी अब बताओ भी। बताओ भी दो। तुम शुरू करो। वो खून खराब है। हमने तो बस मारा। बहुत लोगों को मारा, बहुत बुरी तरह मारा। हमने तो देश भर में जाकर लोगों का खून किया, सब इसी मैंने किया। पेपर में छपा था, क्लॉड और रे ने खून किया। क्लॉड और रे ने क्या है ना, कभी कभी कुछ काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी का मर्डर करना पड़े तो काट देते। वैसे भी मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ, समझ गए तुम लोग? अगर किसी ने तंग किया तो उसका क्या हाल होगा मैं बता नहीं सकता। उसे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा। अगर दुश्मन आ गया तो काटना ही पड़ेगा ना उसे, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ लेकिन मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। एक को तो पीट पीट के ही मार दिया था। कितना बुरी तरह से मारा। और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी खोपड़ी घूमी तो तुम्हारी बात। ए चूजे, क्या तुम वो ब्रेड खाने वाले हो? आ गई मुसीबत, इस मोटे से भिड़ना मत। क्या आपने मुझसे पूछा? शायद तुमसे ही कहा। नहीं, दरअसल मैं, अब अगर आपको चाहिए तो क्या आप ये ब्रेड उन तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, रुको रुको रुको, तुम अपनी ब्रेड क्यों दे रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है। यार वैसे भी मुझे ये ब्रेड नहीं खानी, इसलिए मैं ये ब्रेड उन तक पहुंचा रहा हूँ, बस मुझे नहीं खानी। नहीं, अगर इसे ब्रेड खानी है तो ये वहाँ जाएगा, अपने हिस्से की ब्रेड लेकर आएगा। तुम्हारी ब्रेड ये क्यों खाएगा? सुनिए गेंडा जी, आप जाइए अपना ब्रेड लेकर आइए, ये आपको नहीं देगा। भाई मेरी बात तो सुन, अगर मुझे ये ब्रेड नहीं खानी है तो इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे नहीं खानी है ना, इसलिए मैं दे रहा हूं। इसे अपनी ब्रेड दी तो कल तुम इसके कपड़े इस्त्री कर रहे होगे, इसके नाखून काट रहे होगे। शायद मुझे तुम्हारी ब्रेड खा लेनी चाहिए। ओए हिप्पोपोटामस, तू मेरी ब्रेड नहीं खा सकता, समझ गया? अगर तूने ब्रेड खाने की सोची तो तुझे मैं बेड पे बिछा दूंगा और ऊपर से मैं मक्खन भी नहीं लगाऊंगा। अगली बार मेरी ब्रेड पर नजर डालने से पहले 25 बार सोच लेना। मेरी बात इसे समझाओ, समझाओ इसे कि मैं कौन हूँ, न्यूयॉर्क सिटी का हूँ मैं। मेरी ब्रेड की तरफ कोई गलती से भी नजर नहीं डालता। तुम में से भी अगर किसी ने ये काम किया तो आंखें निकाल कर कोटिया खेलूंगा। मेरे बारे में जानते नहीं हो? मेरा दूसरा नाम आतंक है, आतंक।